नमस्ते, आप सबका वेलकम है सिमरन की रसोई में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पानी पूरी। बच्चे हो या बड़े, पानी पूरी तो सबको खाना पसंद ही है। अब पानी पूरी के अलग अलग नाम हैं, गोलगप्पे, पुचका, आप क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं तो इसे पानी पूरी ही बोलती हूँ। तो चलिए एकदम परफेक्ट तरीके से आज पानी पूरी बनाएंगे। सबसे पहले हम जो चने आलू का मसाला होता है उसकी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 250 ग्राम चने मैंने ले लिए हैं, काले चने। इसे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर फिर से ये पानी डाल देंगे और इसे ढककर हम 6 से 7 घंटे तक रख देंगे भिगोने, या फिर आप इसे रात भर भी रख सकते हैं ओवरनाइट। यानी कि मैंने इसे ओवरनाइट ही रखा था और अब ये चने अच्छे से फूल गए हैं। तो गैस को ऑन करके मैंने कुकर रख दिया, इसके अंदर ये चने डाल देंगे, साथ ही साथ 1 गिलास पानी, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। कुकर का ढक्कन देते हुए इसे हम 3 से 4 विसल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चने जो है पककर तैयार है, एक बार चेक कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर ले लिए 1 किलो आलू, कच्चे आलू है ये, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है इसे और ये मीडियम साइज़ के हैं। इसे हमने कुकर में डाल दिया और साथ ही साथ 1 गिलास पानी, कुकर का ढक्कन दे देंगे और इसे भी हम 3 से 4 विसल आने तक पका लेंगे। यानी कि 3 से 4 सीटी आने तक पका लेना है, जैसे ही पक जाए ढक्कन को खोल लें। और अब हम पानी बनाएंगे पानी पूरी के लिए, एकदम चटपटा वाला। 4 हरी मिर्ची को काटकर मिक्सर में डाल दें, 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को, 1 कप ताज़े धनिया के पत्ते अच्छे से वॉश करके काटकर, 1/2 कप ताज़े पुदीना के पत्ते, 1 कप इमली का पानी डालना है और इन सबको ढककर पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब एक बर्तन मैंने ले लिया है, इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और ये जो हमने पीस के रखा है ना, इसे आपको छानना है। छानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हमको ऐसा लगता है कि हमने पीस लिया है पर शायद थोड़ा बहुत रह जाए। अब देखिए इस तरह से छानते छानते हमें इसके अंदर पानी भी डालते जाना है, थोड़ा बहुत, मतलब समझ लीजिए 3 से 4 गिलास इसके अंदर पानी डालना है। उसके बाद हम इसे चटपटा बनाएंगे थोड़े बहुत मसाले डालकर, बूंदी वगैरह डालकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया और कुछ इसी तरह से आपको छानना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके अंदर आपको 3 से 4 गिलास पानी डालना है। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है पानी पूरी तो पानी भी ज़्यादा बनाया है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले सादा नमक यानी सफ़ेद नमक डाला है, फिर काला नमक, चुटकी भर हींग डाल दी है और इसी के साथ मैंने इसके अंदर भुना जीरा पाउडर भी डाल दिया है। इन सबसे ना चटपटा स्वाद आता है। तो जिस हिसाब से आप पानी बनाना ना, उस हिसाब से आप ये नमक वगैरह सब डालना। मैंने यहाँ पर सब आधी आधी चम्मच डाला और चुटकी भर ही हींग डाली है। 1 नींबू का रस इसके अंदर डाल देना। काफ़ी चटपटा पानी हमें बनाना है और तीखा भी थोड़ा सा। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी बूंदी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो पानी पूरी का पानी बनकर तैयार है। चलिए अब आलू चने का मसाला बनाते हैं। तो आलू और चने, मैंने आलू जो उबाल के रखे थे उसे छील लिया और दोनों ही ठंडे हो गए, मतलब आप इसे छू पाएंगे। तो इसके अंदर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर 1 चम्मच और स्वाद के अनुसार नमक, दोनों अपने हिसाब से आप डाल देना मसाले और बस इसे अच्छे से मिला लेना। सिंपल ही मसाला बनाना है, ज़्यादा मसाले इसके अंदर मत डालना क्योंकि पानी में ऑलरेडी हमने सब डाल के रखा है। अब देखिए आप चाहे तो पानी पूरी की जो पूरियाँ हैं बाहर से ला सकते हैं, पर ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये जो पूरियाँ हैं ना इस तरह से मिलती हैं, बस इसे गरम गरम तेल में डालकर आपको फ्राई करना होता है, यानी कि तलना होता है। और ये तेल में, इसके लिए जो तेल है ना वो अच्छा गरम करना है आपको, और ये तेल में डालते ही इस तरह से फूल जाएगी। तो बनकर तैयार है बढ़िया सी चटपटी पानी पूरी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आएगी। तो ट्राई करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।